हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज आपके लिए बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आए हैं। ये न्यूज़ दोस्तों अभी अभी हमें ठीक आधे घंटे पहले मिली है, 20 नवंबर। यहाँ दोस्तों 20 नवंबर 2019 की यह ऐसी नई न्यूज़ है जो सहारा सुब्रत राय के गले में फंदा तैयार करने की बड़ी न्यूज़। यहाँ दोस्तों सूरत के व्यापारी की ये ऐसी खबर है जो आपके लिए लेकर आए दोस्तों, जिसे सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों पैसे मिलने की एक बड़ी जो इस वक्त साजिश सहारा सुब्रत राय की कंपनी में चल रही है, उसके आधार पर आज आपको 20 नवंबर की जो लेटेस्ट न्यूज़ सुनाने वाला है। दोस्तों पूरी न्यूज़ सुने ताकि आपको पता चल सके कि सहारा सुब्रत राय समेत 11 अन्य, जी हाँ दोस्तों, जो इनके अपने सीनियर कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ़ भी बहुत बड़ी इस वक्त रिपोर्ट पुलिस में दी गई है। तो दोस्तों पूरा मामला क्या है ये सुनाते हैं। सहारा सुब्रत राय समेत एक दर्जन के खिलाफ सूरत में धोखाधड़ी का मामला दर्ज। कपड़ा व्यापारी के निवेश किए गए 12,77,000 रुपये नहीं लौटाने का आरोप। सूरत कपड़ा व्यापारी को उनकी निवेश की गई राशि नहीं लौटाने पर नियोजित साजिश के तहत धोखाधड़ी करने के आरोप में सहारा इंडिया के सुब्रत राय समेत एक दर्जन लोगों के खिलाफ खटोदरा थाना पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी जांच शुरू हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक सहारा इंडिया के चेयरमैन निदेशक सुब्रत राय, अशोक श्रीवास्तव, प्रलय कुमार राणा जिया, विनीता सक्सेना, सुमिता अग्रवाल, एजेंट वंदा भार्गव, रविशंकर दुबे, अशोक राय चौधरी, गोविंद तिवारी, विनोद अस्थाना, शाखा प्रबंधक ए आर मिश्रा, क्षेत्रीय प्रबंधक अन्य ने मिलकर सिटी लाइट अणुवत्र द्वारा सुरदर्शन अपार्टमेंट निवासी कपड़ा व्यापारी संजय कुमार मुकारा 50 के साथ नियोजित साजिद के तहत धोखाधड़ी की। जी हाँ दोस्तों, ये संजय कुमार 50 साल के हैं जिनके साथ ये धोखाधड़ी की गई। संजय ने 2009 में उतना रोड स्थित सोशियो क्लर्क्स स्थित सहारा इंडिया की ब्रांच में सहारा ग्रुप के दो कंपनियों के सहारा रियल इस्टेट व सहारा फाइनेंस में पत्नी व बच्चों के नाम पर 9,10,900 रुपये का निवेश किया था। 2010 और 11 में इन दोनों कंपनियों का सेबी के साथ कोई विवाद होने पर उन्होंने नियोजित साजिश के तहत 2012 में बॉन्ड वापस ले लिए। बॉन्ड में तत्काल प्रबंधक व एजेंट ने रुपये नहीं लौटाए। उन्होंने 6 साल 2017 और 18 में दोगुने से अधिक रिटर्न मिलने का, अन्य कई लाभ मिलने का झांसा देकर सहारा क्यू शॉप के 12,77,100 रुपए के नए बॉन्ड दिए। लेकिन समय पूरा होने पर भी, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी वही बात है कि जो आज से 9 साल पहले इनके सामने आई थी वही बात फिर सामने आई। जी हाँ दोस्तों, फिर वही हुआ कि इन्हें राशि परिपक्वता अवधि पूरी होने के बाद नहीं लौटाई गई। पिछले दिनों रुपये की ज़रूरत पड़ने पर जब संजय रुपया दिलवाने के लिए गए तो, यानी कि रुपया निकालने के लिए गए तो उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं दिया। वे उन्हें बार बार सेबी के विवाद और सुप्रीम कोर्ट का मामला विचाराधीन होने की बात बताकर चक्कर लगवाते रहे। निवर्तमान प्रबंधक विनोद अस्थाना, क्षेत्रीय प्रबंधक ए आर मिश्रा व एजेंट सुनीता अग्रवाल से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने खटोदरा पुलिस थाने में लिखित शिकायत दी, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह उल्लेखनीय है कि सहारा इंडिया के खिलाफ देश भर में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के पहले भी कई मामले दर्ज हो चुके हैं। ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत राय की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, निवेशकों के करोड़ों रुपये फंसे हैं। संजय ने बताया कि पिछले साल वडोदरा में सहारा इंडिया के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था। सूरत में सहारा की कई शाखाएं हैं जिसमें निवेशकों के करोड़ों रुपये फंसे हैं। पिछले 2 साल में से लोगों को रुपये
नहीं लौटाए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये बड़ी लंबी खबर आपको एस टी न्यूज़ चैनल से दी गई खबर बहुत लेटेस्ट है, क्योंकि दोस्तों ऐसा लगता है कि सारा सुब्रत राय अपनी गलत नीतियों के कारण और निवेशकों को पैसा ना देकर अपनी हट धर्मी के कारण अपने गले का फंदा खुद तैयार करने पर इस वक्त लुटे हैं। दोस्तों ये सूरत का ऐसा मामला है जहां पर दोस्तों कपड़ा व्यापारी के साथ ये इतनी बड़ी धोखाधड़ी इन लोगों ने किया, ना जाने ऐसे कितने लाखों करोड़ों व्यापारी हैं जिनके साथ ये घटनाएं घटी हैं। लेकिन दोस्तों ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है कि इस वक्त ये मामला दर्ज हो चुका है और कार्रवाई भी चालू हो चुकी है। दोस्तों देखना यह है कि आगे क्या हमारे पास इस मैटर पर न्यूज़ आती है। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर कर रखें, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई या दोस्तों लाई गई हर एक वो लेटेस्ट न्यूज़ पहुँच सके सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय जय।